ओंकार के तीन जो वर्ण हैं उसी से वेद प्रकट हुआ है और उसी का विस्तार बाद में व्यास देव ने किया है। तो उसी को चार संहिताएं बनाए और अपने विशिष्ट चार शिष्यों को दिए व्यास देव। व्यास देव जानते थे कि एक व्यक्ति सबको धारण नहीं करेगा, तो अलग अलग शिष्यों को अलग अलग वेद दिए। तो सत्व ओंकार में तीन शब्द है, तीन अक्षर अ उ और म, और ये प्रकृति के तीनों गुण को स्वीकार करके इस तरह की रचना हुई है। तो सत्व से अ से ऋक, ऋग्वेद सत्व गुण, और फिर उ से रज यजु, और तम से साम, तीन वेद बना। और इसके साथ सत्व रज और साम के साथ तम, और फिर भू भुव और स्व। तो भू भुव स्व ऊपर के लोक, स्वर्ग आदि और पृथ्वी बीच का। तो इन्हीं का विस्तार वेद व्यास जी ने चार संहिताओं के रूप में किया और अपने विशिष्ट चार शिष्यों को दिया, ऋग वेद पैल मुनि को, यजु वैशंपायन को और साम जैमिनी को। ये तीन वेद है प्रसिद्ध, वेदत्रय कहा जाता है। और एक अथर्व, अथर्व वेद सुमंतु को चौथा वेद बनाए। ऋग वेद पैल अपने वंश परंपरा में, शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाए, इंद प्रमिति और वासकल इनको दिए, और इनके चार शिष्य बोध जागवल्क पराशर और अग्निमित्र, ये लोग इसको और विस्तार किए ऋग वेद को। और इंद प्रमिति फिर आगे बढ़ा तो मार्कंडे, देवमित्र, सौभरी, साकल, जातकर्ण मुनि, बालखिल्य आदि, ये सब ऋग वेदी हैं, ऋग वेद के आचार्य हैं। इस तरह से आगे बढ़ा ऋग वेद। और यजुर्वेद वैशंपायन को, वैशंपायन के बाद चरकाध्ययु जागबल्क मुनि, इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत किए, तो इसलिए उसका नाम चरकाध्ययु पड़ा। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि ओ भगवान, ये चरकाध्ययु ब्राह्मण तो बहुत थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से कितना लाभ हो सकता है। तो आपस में एक बार की घटना है कि साकल के एक और सिद्ध जात कर्णु थे, उन्होंने अपने संहिता के तीन विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, बैताल और बीरज को पढ़ाया। वासकल के पुत्र वासकली ने सब शाखाओं में एक बालखिल्य नाम की शाखा रची, और फिर आगे बालयानी भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इसके बाद यजुर्वेद के जो आचार्य थे वैशंपायन, तो वैशंपायन ने आगे इसको चरकाध्ययु, उनके कुछ शिष्य थे वे लोग एक अनुष्ठान किए थे और उस अनुष्ठान में इसको प्राप्त किए थे, उस अनुष्ठान का नाम था चरकाध्ययु, इसलिए इस विद्या को, इस शिष्य परंपरा को भी यही नाम पड़ गया। तो वैशंपायन के एक शिष्य थे जागवल्क मुनि, उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि भगवान, ये चरकाध्ययु ब्राह्मण तो बहुत कम शक्ति रखते हैं, ये थोड़ी शक्ति है इनके पास, इनके व्रत पालन में क्या लाभ हो सकता है, मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत कठिन तपस्या करूंगा, उन पर क्यों विश्वास करते हैं, ये तो निकृष्ट ब्राह्मण है, मैं अच्छा से करूंगा। जागवल्क मुनि की बात सुनकर वैशंपायन को क्रोध आ गया और क्रोध में कहे, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाला शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। देखो, अब तक जो कुछ मुझसे पढ़े हो, अध्ययन किए हो, उसको शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो, त्याग दो और यहाँ से चले जाओ नालायक कहीं का। तुम निर्णय लेते हो कि कौन बड़ा है कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते ही पढ़ाए हुए यजुर्वेद का बमन कर दिया, वे वहां से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि जागवल्क ने यजुर्वेद का बमन कर दिया तो उनको लोभ हो गया, इसको लेना चाहिए, तो अब प्रकट ब्राह्मण रूप में कैसे ले, तीतर बन गए और तीतर बनकर संहिता चुग लिए। तो यजुर्वेद के वह शाखा जिसको उल्टी करने के बाद तीतर बनकर, पक्षी बनकर चुगा गया है, इसलिए उस शाखा का नाम हुआ तैतरीय, तैतरीय शाखा हुआ, और इस प्रकार वो आगे बढ़ा। तैतरीय शाखा 15 शाखाओं में वाजपेयी आदि विस्तार से हुआ, और फिर
ये यजुर्वेद, इसके बाद साम वेद जैमिनी मुनि पढ़े थे, उनके बाद सुमंतु, सुनमान, सुकर्मा, 1000 शाखा बनाकर कौशल निवासी रणाव पौष्ट्यान जी आवंत्यादि को पढ़ाया। विस्तार पर विस्तार आगे हो, जैसी जैसी बुद्धि कम होती गई उतना अलग अलग चैप्टर छोटा किया गया। फिर सातवां अध्याय में भी इसका वर्णन करते हैं। अथर्व वेद सुमंतु मुनि पढ़े थे, सुमंतु से कबंध, पथ्य, वेद दर्श और सत्यायनी, ब्रह्मबली, मदोस और पिपलायन आदि, कुमुद और बभ्रु, सैंध्र, शांति, कश्यप, अंगिरा आदि, अंगिरस आदि, अंगिरस ब्राह्मण पढ़े। तो इस तरह से वेदों के विभाग हुआ और उसका वर्णन हुआ। फिर पुराणों के आचार्यों के विषय में कहते हैं, पुराणों के लक्षण और किस प्रकार पुराण का विस्तार है उसको भी वेद शाखा के अंतर्गत ही आगे बताते हैं कि पुराणों के 6 प्रसिद्ध आचार्य हैं, तैयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृत व्रण और वैशंपायन, हारित। ये 6 के अतिरिक्त 4 और संहिताएं हुई हैं जो परशुराम के शिष्य थे, जिनमें कश्यप, सावर्णी, अकृत व्रण, मेरे पिता रोमहर्षण, सब ग्रंथों को मैंने पढ़ा है इन लोगों से। पुराणों के 10 लक्षण हैं, विश्व सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनमंत्र, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु और अपाश्रय। अथ सर्गो विसर्ग से स्थानम पोषण उतया, इसी को कह रहे हैं। कुछ लोग 10 लक्षण पुराण को बताते हैं और कुछ लोग 5 लक्षण बताते हैं। तो 5 के अंदर 10 सिमटा रहता है, अंदर अंतर्भूत रहता है। संक्षेप में 5 और विस्तार से 10। स्वर्ग का अर्थ है सृष्टि, महत तत्व, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय की उत्पत्ति, ये स्वर्ग है जो भगवान करते हैं प्रथम बार सृष्टि, उसको स्वर्ग कहते हैं। वासनाओं की प्रधानता से चराचर शरीरात्मक जीव की जो उपाधि है, विविध प्रकार की रचना करते हैं विषय भोग के लिए, ब्रह्मा से लेकर हम लोग तक जो विस्तार है वो विसर्ग है। विसर्ग के बाद है वृत्ति। तो वृत्ति में जितने प्राणी हैं जो चलते रहते हैं, घूमते हैं, विविध प्रकार के प्राणी चर अचर, उनकी जो व्यवस्था है उसको वृत्ति कहते हैं। और रक्षा, भगवत अवतार, विश्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। और मनवंतर, मनु देवता, मनु पुत्र, इंद्र, सप्तर्षि, भगवान मनवंतरावतार, इसकी व्यवस्था ये मनवंतर कहते हैं। फिर वंश, वंश परंपरा, भूत, भविष्य, वर्तमान, कालिक परंपराएं, और ये वंशानुचरित्र, उनकी वंश परंपरा में आने वाले लोगों की कथा। संस्था, संस्था माने परलय, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य, आत्यंतिक, जो 4 प्रकार का परलय। हेतु, उति, जीव और जीव की कर्म वासना और अपाश्रय। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय से लक्षित होता है वो ब्रह्म पद आश्रय सत्व। तो इस प्रकार से 18 पुराण है, ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, गरुण, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडे, बामन, बराह, मत्स्य, कूर्म और ब्रह्मांड। इन प्रसंगों को सुनने से ब्रह्म तेज बढ़ता है। अब प्रश्न करें शौनक जी। शौनक जी कहते हैं कि मृकंड मुनि के पुत्र मार्कंडे जी चिरायु हैं, वे कैसे प्रलय कालीन जल में डूब उतरा रहे थे? अभी तो प्रलय हुआ नहीं, फिर कैसे प्रलय देख लिए मार्कंडे जी? तो आप कृपा करके इसको बताइए। सूत गोस्वामी एकदम खुश हो गए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया, इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। तो इस कथा में भगवान नारायण की महिमा प्रकट हुई है और इसका जो गान करता है कलिमल नष्ट हो जाता है। बहुत अच्छा प्रसंग है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि मृकंड मुनि के पुत्र मार्कंडे, समय पर संस्कार कराए मृकंड मुनि, बचपन में ही बड़ी तेज थे मार्कंडे, वेदों का अध्ययन किए, स्वाध्याय से संपन्न हो गए और संकल्प लिए कि आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। वे शांत स्वभाव के थे, अब संकल्प लिए लगे तपस्या करने, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई, पेड़ का छाल पहनते थे, शरीर पर जगो पवित्र मेखला, एकदम तपस्वी रूप। इस तरह से मार्कंडे जी तपस्या करने लगे।
और तपस्या में स्वाध्याय में इतना तत्पर रहे कि करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना किए और इस तरह से उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मचारी बनने का संकल्प तो इनका व्यक्तिगत था, लेकिन अपने तप के बल पर मृत्यु पर कब्जा कर लिए। बड़े बड़े योगियों के लिए जो कठिन है, मार्कंडेय मुनि की मृत्यु विजय सुनकर स्वयं ब्रह्मा, शंकर, भृगु, दक्ष और ब्रह्मा के अन्य पुत्र, बड़े बड़े ऋषि लोग, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बाहरी मार्कंडेय काल पर विजय प्राप्त कर लिया। तो योगी मार्कंडेय इस प्रकार से भगवत चिंतन करते हुए बहुत समय तक जीवित रहे। 6 मन्वंतर बीत गया, 6 मन्वंतर का काल व्यतीत हुआ। इसके बाद इस 7वें मन्वंतर में जब इंद्र को यह बात पता चली तो मार्कंडेय की तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव को, गंधर्व को, अप्सराओं को भेजा। पुष्पभद्रा नदी के तट पर हिमालय में तपस्या कर रहे थे, चित्रा नामक एक शिला पर बैठे थे और वहाँ मुनि के आश्रम में गया कामदेव। लेकिन मार्कंडेय जी की तपस्या और शक्ति देखकर कामदेव एकदम भयभीत हो गया। इतना ही नहीं, उनके मन में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं हुआ। कामदेव एकदम निराश हो गया और चरणों में प्रणाम करके वहां से चला गया। मार्कंडेय मुनि अब भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उन पर कृपा करने के लिए भगवान नर नारायण उपस्थित हुए मार्कंडेय जी के सामने। भगवान के स्वरूप को देखे, चतुर्भुज सुंदर, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारण किए हुए, खूब सुंदर रूप। तो मार्कंडेय मुनि उनके चरणों में प्रणाम किए, बड़ा प्रेम से आदर दिए, चरण पखारे, आसन दिए बैठने के लिए, भगवान की पूजा करने लगे विधिवत, खूब सम्मान किए, उनके चरणों में प्रार्थना किए, स्तुति किए और फिर कहने लगे कि हे अंतर्यामी सर्वव्यापक जगत गुरु परमाराध्य शुद्ध स्वरूप भगवान, आप कृपा करके पधारे, मैं आपके गुणों का कहाँ तक वर्णन करूं, आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं, मैं आपके इस जुगल स्वरूप नर और नारायण का रूप है जुगल रूप, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। साधारण अल्पज्ञ जीव आपकी महिमा को नहीं जान सकता, आप ही संपूर्ण जगत को चलाते हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र आदि सबका कंट्रोल करते हैं, सभी जीवों के प्राण शक्ति का संचार आप करते हैं। हे प्रभु, किसी में कोई स्वतंत्र क्षमता नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो आपके शक्ति से करता है और आपके माया से प्रेरित होकर वह जीव आपके इस महा महिमा को नहीं जान पाता है। इस तरह से उनके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं, अंततः यही कहे कि हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो भगवान देख लिए मार्कंडेय जी की निष्ठा भक्ति, एकदम अनन्य भक्ति है, कुछ चाहिए नहीं, तो कहे मार्कंडेय तुम्हारा कल्याण हो, मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, वरदान शिरोमणि हूँ, इसलिए बेटा तुम मुझसे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो जो तुमको अच्छा लगे। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे भगवान, जो आपकी माया संपूर्ण जीवों को अपने वश में करके रखती है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, है कैसी। ठीक है, ऐसा ही होगा, माया का दर्शन करोगे। अब तो बड़ा खुश हुए मार्कंडेय मुनि, मैं देखूंगा माया को। चले गए भगवान और उधर एक दिन की बात है, मार्कंडेय मुनि अपने पुष्पभद्रा नदी के तट पर आश्रम पर बैठे हुए उपासना कर रहे थे। तब तक लगा जोर से आंधी चलने और आंधी के साथ भयंकर आवाज, विकराल बादल, काले काले मूसलाधार बारिश, बिजली की चमचमाहट, एकदम लगा आंधी पानी बरसने और तूफान, और उधर समुद्र अपना स्तर छोड़कर लगा डुबाने, सारी पृथ्वी आकाश सब एक हो गया, पानी पानी चारों तरफ, बड़ी बड़ी लहरें, कान को फाड़ देने वाला आवाज, उस जल में विशाल विशाल जलचर जीव मगर तड़फड़ा रहे थे। हिमालय के उच्चतम घाटी पर बैठे हुए थे मार्कंडेय मुनि, डूब गया हिमालय और उनका आश्रम डूबने लगा, लगे बहने उस समुद्र के लहरों में थपेड़ा खाने, भयंकर लहर जलराशि में यहाँ वहाँ गिरने लगे, डूबते थे, उठते थे, उतराते थे, भागते थे, ज्योति नक्षत्र ग्रह तारे सूर्य चंद्रमा सब एक साथ दिख रहे हैं, थपेड़ा खा रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, अब कोई सहायता करने वाला नहीं है, एकदम गिर जाते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं, कभी उठते हैं, इस तरह से भटकते भटकते सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष तक इसी तरह थपेड़ा खाते रहे।
और इस तरह से दुख पाते पाते मार्कंडेय मुनि ने देखा कि एक छोटा सा बरगद का पेड़ है और उस बरगद के वृक्ष को देखते हैं हिमालय से गिरकर कहां प्रयाग में थोड़ा सा एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया और ईशान कोण पर पत्ते का दोना ऐसे बना हुआ है, उस दोना में एक छोटा सा नन्हा सा शिशु है बच्चा, और वो बच्चा बड़ा मधुर लग रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब इनके मन में आया कि चलूं, अरे इस प्रलय में कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम चलकर उस बच्चे से परिचय पूछते हैं। बच्चा के पास देखे तो बहुत सौंदर्य निधि सांवला सलोना, सुंदर उतार चढ़ाव, बड़ा सुंदर मुखमंडल है, कानों में लाल लाल सुंदर कुंडल और ओठों में कांति है, बहुत सुंदर रूप है, नन्हे नन्हे हाथ में नन्ही नन्ही उंगलियां, वह शिशु मुख में अपना अंगूठा डालकर चूस रहा है। मार्कंडेय मुनि देख कर एकदम चकित हो गए, इस जल में बेचारा बालक डूब जाएगा। अब गए पूछने के लिए शिशु कौन है, लेकिन देखते ही जितना थपेड़ा खाए थे चोट आया था, बच्चा के पास जाते ही इनका सारा दुख दर्द समाप्त। एकदम सुंदर नेत्र कमल के समान खिला हुआ, एकदम मार्कंडेय मुनि प्रसन्न हो गए देखकर, ये कौन है, ये कहां से आया है। अब इस तरह से जिज्ञासा हुई तो शिशु से ही पूछते हैं, कुछ सरकते हुए तैरते हुए बच्चे के पास गए। अभी मार्कंडेय मुनि कुछ निकट पहुंचे, अभी नजदीक जाकर जिज्ञासा ही नहीं किए तब तक वो बच्चा सांस लिया, अब बस भीतर चले गए उस बच्चे के सांस के साथ उसके पेट में घुस गए मार्कंडेय मुनि, और पेट में घुसे तो देखते हैं वही सृष्टि, वही प्रलय का जल, वहां भी सब कुछ, वही ज्योतिर्मंडल, पर्वत, हिमालय, नगर, गांव और विविध प्रकार के चीज देख रहे हैं, संपूर्ण विश्व भीतर देख रहे हैं, और सारा हिमालय का पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी का तट, आश्रम मार्कंडेय मुनि का प्रत्यक्ष आश्रम, सब कुछ देख रहे हैं। और अंदर भी कई वर्षों तक घूमते रहे भीतर, ये क्या है, ये है, वो है, तब तक एक बार बालक सांस छोड़ा और सांस के साथ ही बाहर गिर गए। तो बाहर गिरते हैं तो देखते हैं कि उसी समुद्र के बीच टीले पर बरगद का पेड़ ज्यों के त्यों विराजमान है, और फिर वही बच्चा शिशु उस पत्ते पर अंगूठा चूस रहा है। मार्कंडेय मुनि जी एकदम चकित है। अभी मार्कंडेय मुनि जी उसके पास भी नहीं पहुंचे, सोचे कि चलूं फिर से पूछता हूं कि भाई कौन हो, तब तक वो अंतरहित हो गया, एकदम छिप गया, ठीक वैसे छिप गया जैसे असमर्थ व्यक्ति प्रयास करता है और उसका उद्योग निष्फल हो जाता है, वैसे मार्कंडेय जी के प्रयास काम नहीं किया और पता ही नहीं चला। सौनक जी उस शिशु के अंतर्धान होते ही वह बरगद का पेड़, प्रलय का जल, सब कुछ समाप्त एक क्षण में। और देखते क्या है मार्कंडेय मुनि कि जैसे अपने आश्रम पर बैठे थे शिला पर, वही शिला है, कहीं पानी न कुछ नहीं, सब खत्म, बालक भी गया और जल भी गया। हे सौनक जी, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित जोग माया वैभव का अनुभव किया, प्रलय नहीं हुआ था, वो उनके लिए स्पेशल माया का करामात दिखाया गया, वो मायापति भगवान की शरण में स्थित हो गए, समझ गए कि ओहो हम भगवान की माया का दर्शन करना चाहते थे। तो इसलिए आप इस तरह की जिज्ञासा शंका मत कीजिए कि वो हजारों करोड़ों वर्ष प्रलय जल में डूब उतरा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, उनके पास तो जादू के तमाशा जैसा माया प्रकट हो गई थी और उसी को देखते रहे। तब मार्कंडेय मुनि मन ही मन सोचने लगे, ये भगवान की माया का दर्शन हुआ। इस तरह भगवान के इस विशाल माया के प्रभाव को देखकर मार्कंडेय मुनि अपने चित्त वृत्ति को एकाग्र करके और मन को एकाग्र करके भगवान का चिंतन करने लगे, एकदम ठूठ वृक्ष की तरह बैठ गए। और तब तक वहीं से शिव जी पार्वती जी के साथ जा रहे थे, तो जा रहे थे पार्वती जी के साथ शिव जी, तो पार्वती देखी ध्यान से, ब्राह्मण चिंतन कर रहा है, तो शिव जी से कहती है कि हे भगवान, तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए, कैसे शांत है, गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ है, आप थोड़ा इसके पास चलिए, इसकी तपस्या का जो प्रत्यक्ष फल है उसको देकर जाइए। तो शिव जी कहते हैं कि देखो, इसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है,
मोक्ष की भी कामना नहीं है, ये भगवान के चरण कमलों की उपासना करता है। हे साध्वी, हे प्रिय, तुम कह रही हो तो मैं चलता हूँ। अथापि संबदिष्यामो भवान एतेन साधुना अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। हे देवी, चलो, हमारी आवश्यकता तो इसको नहीं है, इसको कुछ चाहिए नहीं, फिर भी मैं इसे बात करूंगा, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा लाभ है साधु का संग, साधु से बातचीत, जिज्ञासा। तो इतना कह करके शिव जी गए। शिव और पार्वती मार्कंडे मुनि के सामने खड़े हैं, बोल रहे हैं, मार्कंडे सुन नहीं रहे हैं, समाधि है, कोई ध्यान नहीं है। शिव जी देख लिए कि ये जगाने से जगेगा नहीं, बस जो चित्त में भगवान के स्वरूप का चिंतन मार्कंडे मुनि कर रहे थे, शिव जी उस रूप को तिरोहित कर दिए, हटा दिए, और हटा करके गौरी शंकर रूप में शिव पार्वती वहीं उसके हृदय में दिखने लगे। भगवान के रूप हटाकर स्वयं खड़ा हो गए मार्कंडे मुनि, ये क्या देखने लगा, तो एकदम उनकी समाधि डिस्टर्ब हो गई। और फिर वो आंख खोले तो जिसको हृदय में देख रहे थे वो सामने है, खड़े हैं शिव पार्वती। तो मार्कंडे मुनि जब भगवान शिव को देखे तो उनके चरणों में प्रणाम करने लगे, कहे प्रभु आपका कैसे आगमन हुआ, हम आपको नमस्कार करता हूँ, आप गुणातीत सदा शिव स्वरूप सत्य गुण से युक्त शांत स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं आपके रजोगुण रूप परवर्तक स्वरूप तमोगुण युक्त अघोर रूप सबको नमस्कार करता हूँ, आप कई रूपों में रहते हैं प्रभु। इस तरह से भगवान शिव को नमस्कार किए, विविध प्रकार से पूजा किए। तब भगवान शिव कहते हैं, मार्कंडे जी, ब्रह्मा विष्णु और मैं तीनों वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। शिव जी जब बहुत आग्रह करने लगे, मार्कंडे मुनि कुछ चाहते नहीं थे, फिर भी बार बार आग्रह कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बार बार कह रहे हैं, लेकिन शिव जी के मन में है कि कुछ दे कर जाए, कुछ दे कर जाए। कहते हैं, ब्राह्मणा साधवा संता निसंगा भूत वत्सला एकांत भक्ता आसमासु निर्वैरा समदर्शिना। आप साधु हैं, परोपकारी हैं, शांत हैं, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, सभी प्राणियों से आपका समान व्यवहार है, आप अनन्य प्रेमी हैं, भक्त हैं। हे मार्कंडे जी, बड़े बड़े पापी, महापापी अंत्यज, आप जैसे महापुरुषों के विषय में सुने, दर्शन करें तो शुद्ध हो जाते हैं। तो बहुत आग्रह किए, बहुत आग्रह किए, तो शिव जी से मार्कंडे मुनि कहते हैं कि आप अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त करके एक वरदान मांगता हूँ। वह वरदान यह है कि भगवान में, उनके शरणागत भक्त में और आप में हमारी अचला भक्ति बनी रहे सदा सर्वदा। शिव जी कहे, ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही हो। शिव जी कहते हैं कि कल्प पर्यंत आपका यह जस सब जगह फैला रहे और आप अजर अमर हो जाएं, मृत्यु आपको न मार सके, तुम्हारा ब्रह्म तेज सदा अक्षुण रहेगा। हे ब्रह्मन, भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी किसी भी प्रभाव से आपका ज्ञान बाधित नहीं होगा। मैं आपको पुराणों का आचार्यत्व देता हूँ, सारा पुराण वेद शास्त्र आपको कंठाग्र रहेगा। शिव जी अपने से दे रहे हैं गिफ्ट, मांगे केवल कि भक्ति चाहिए, लेकिन और चीज दिए। तो इस प्रकार मार्कंडे मुनि को शिव जी दर्शन दिए और शिव जी का दर्शन करके मार्कंडे मुनि तृप्त हो गए। यह संशय जो सौनक जी की जिज्ञासा में संशय है उसको दूर किए सुत गोस्वामी इस तरह की कथा कहकर। तो हे भृगु वंश शिरोमणे, मैं आपको यह मार्कंडे चरित सुनाया, यह भगवान चक्रपाणी के प्रभाव और महिमा से भरपूर है, जो इसका श्रवण और कीर्तन करता है वे दोनों कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन संसार चक्र से सदा के लिए छूट जाते हैं। तो इस तरह से मार्कंडे मुनि का पवित्र जस का वर्णन है। कुछ लोग शिव जी के उपस्थिति और आगमन और उनके द्वारा आशीर्वाद से यह मान बैठते हैं कि मार्कंडे मुनि शिव जी के भक्त थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मार्कंडे मुनि वैष्णव थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और साथ ही शिव जी के भी। तो फिर शौनक जी जिज्ञासा करते हैं कि हे सुत गोस्वामी, भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग
गरुण आदि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध और कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे, आप कृपा करके भगवान की चिंतन ध्यान संबंधी बात को बताइए। सुत गोस्वामी कहते हैं कि देखिए चेतना अधिष्ठित विराट रूप में प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, नौ तत्व सहित इंद्रियां और पांच भूत से 16 विकार, इस तरह से भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में विराट रूप में है। और जैसा कि तीसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद में आप लोग सुन चुके हैं, विस्तार से सुनाया गया कई बार कि भगवान विराट पुरुष के किस रूप में विस्तार है। विराट पुरुष के पृथ्वी चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है, दिशाएं कान है, प्रजापति लिंग और मृत्यु गुदा, लोकपाल गण भुजाएं, संपूर्ण ब्रह्मांड को ही भगवत रूप में कल्पना किया गया है। चंद्रमा मन है, जमराज भवें हैं, लज्जा ऊपर के ओठ और लोभ नीचे के ओठ, चांदनी दंतावली है, भ्रम मुस्कान, वृक्ष रोम, बादल सिर के केश इत्यादि। इस तरह से समग्र ऐश्वर्य, धर्म, जस, लक्ष्मी, वैराग्य भगवान के साथ है। और इस प्रकार वेद गरुण है, सिद्धियां द्वारपाल है, भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चतुर्व्यूह है। ये क्रमशः विश्व, तेजस, प्राग और तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। ऐसे भगवान विराट रूप का वर्णन हुआ है। तब सौनक जी कहते हैं कि अच्छा, एक दूसरा प्रश्न है कि आप कृपा करके यह बताइए कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस देवताओं का एक सौर गण होते हैं, ये प्रत्येक महीना में बदलता है, महीनों के 12 गण द्वादश आदित्य के साथ रहकर क्या क्या काम करते हैं, इनका नाम क्या है, पूरा ऋतु परिवर्तन के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि ये सब क्या है, इस विषय में आप बताइए, हम श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि देखिए, काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों के व्यवहार को ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीना में भिन्न भिन्न गणों के द्वारा चक्कर लगाते हैं और अलग अलग ढंग से इस काल को लोग भोगते हैं अलग अलग जगह पर। तो 12 मास होता है, 12 महीनों में सूर्य, अप्सरा, राक्षस, सर्प, यक्ष, ऋषि, गंधर्व अलग अलग होते हैं अलग अलग काल के। तो चैत्र में सूर्य का नाम धाता होता है और अप्सरा कृशस्थली, राक्षस हेती, सर्प वासुकी, यक्ष रथकृत, ऋषि पुलस्त और गंधर्व तुम्बरु, ये सब भिन्न भिन्न स्थानों में कार्य करते हैं। तो वैशाख में आर्यमा होते हैं और अप्सरा पुंजिस्थली, राक्षस प्रहेति, सर्प कच्छनीर और यक्ष अथौजा और ऋषि पुलह, गंधर्व नारद होते हैं। और ज्येष्ठ में सूर्य मित्र और अप्सरा मेनका, राक्षस पौरुषे, तक्षक सर्प और यक्ष रथस्वम, ऋषि अत्रि और गंधर्व हाहा होता है। आषाढ़ में वरुण सूर्य होते हैं, अप्सरा रंभा, राक्षस चितस्वन और सर्प में शुक्र, यक्ष सहजन्य, ऋषि वशिष्ठ और गंधर्व हुहु होता है। हाहा हुहु गंधर्वों का नाम है। श्रावण में सूर्य का नाम इंद्र होता है और अप्सरा प्रलोमचा और राक्षस वर्ज, सर्प एलापत्र, यक्ष श्रोता, ऋषि अंगिरा, गंधर्व विश्वावसु। उसी प्रकार भाद्रपद में विवस्वान, अम्लोचा, व्याध्र, शंखपाण, असारण, भृगु और उग्रसेन। और अश्विन में त्वष्टा, तिलोत्तमा, ब्रह्मपेत, कम्बल, सत्यजीत, जमदग्नि, धृतराष्ट्र। कार्तिक में सूर्य का नाम होता है विष्णु वही उपेंद्र और अप्सरा रंभा, राक्षस मखपेत, अश्वतर, सत्यजीत, विश्वमित्र, सूर्य वचा। और मार्गशीर्ष में अंशु, अप्सरा उर्वशी और राक्षस विद्युत छतु और सर्प होता है महाशंख और यक्ष तार्ष, ऋषि कश्यप, गंधर्व ऋतसेन। पौष में भग होते हैं सूर्य, अप्सरा पूर्वचित्ति, राक्षस स्फूर्ज, सर्प कर्कोटज, यक्ष उर्ण, ऋषि आयु और गंधर्व अरिष्टनेमी। माघ में सूर्य होते हैं पूषा,
और अप्सरा धृताची और राक्षस वात, सर्प धनंजय, यक्ष सुरुचि और ऋषि गौतम, गंधर्व में सुषेण और अंतिम फाल्गुन। फाल्गुन में पर्जन्य होते हैं सूर्य, अप्सरा सेनजीत, राक्षस वर्षा, सर्प ऐरावत, यक्ष क्रतु, ऋषि भरद्वाज और गंधर्व विष्णु। इस प्रकार से गिने और इसको गिन करके सुत गोस्वामी बतलाते हैं। इसके बाद अंतिम में भागवत के अंत में 12वें अध्याय में बिना प्रश्न किए सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को संक्षेप में एक बार फिर, जैसे विस्तार से आप कोई बात सुनते हैं, वक्तव्य का यही वास्तव में शोभा है। आप समाचार सुनते हैं रेडियो से तो समाचार को प्रस्तुत करके अंत में एक बार फिर संक्षेप में, तो समग्र भागवत को एक अध्याय में समेट रहे हैं। पूरा भागवत जितना आप सुने, ए तत्व कथितम विप्रा विष्णु चरितम अद्भुतम भवद्भिर यद्दहम पृष्टो नराणाम पुरुषोचितम अत्र संकीर्तित साक्षात सर्व पाप हरो हरि नारायणो हि श्रीकेशो भगवान सात्वताम पतिः। इतना जो मैं भागवत आपको सुनाया उसको श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। हे शौनक आदि ऋषियों, जो आपने प्रश्न किया उसके अनुसार मैं भगवान के अद्भुत चरित्र को सुनाया जो मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। यह श्रीमद् भागवतम सर्व पाप को हरण करने वाला श्री हरि के जस से कीर्तित हुआ है। वे ही हरि इसके श्रवण से सबके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अपने भक्तों के जीवन धन है। उन हरि का कीर्तन मैंने किया। अब फिर से एक बार संक्षेप में ध्यान दीजिए क्या क्या सुने हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में वर्णन है, नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी से ऋषियों का प्रश्न और इसके साथ सुत गोस्वामी के द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर, भक्ति योग का निरूपण, अवतार की सूची, परीक्षित की कथा, व्यास नारद का संवाद के बहाने नारद जी का चरित्र, कुंती महारानी और भीष्म पितामह के द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जाने का वर्णन, द्वारिका में भगवान का स्वागत, धृतराष्ट्र का विदुर जी के द्वारा उद्धार और कृष्ण के स्वधाम गमन की कथा सुनकर महाराज परीक्षित को उत्तराधिकार देकर पांडवों को जाना और महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन, फिर धर्म पृथ्वी का संवाद, गंगा तट पर महाराज परीक्षित ऋषि के श्राप से आकर कथा सुनने के लिए उत्सुक होना और सुखदेव गोस्वामी का आगमन, महाराज परीक्षित के द्वारा सुखदेव का स्वागत और मृियमार व्यक्ति के लिए महाराज परीक्षित के द्वारा जिज्ञासा सुखदेव गोस्वामी के चरणों में। इस तरह से 19 अध्यायों में प्रथम स्कंद पूरा हुआ। इसके बाद दूसरे स्कंद में महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी के द्वारा योग का वर्णन, मुक्ति का वर्णन, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन, शरीर त्याग की विधि, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा मंगलाचरण, ब्रह्मा और नारद के बीच संवाद, भगवान की अवतार कथा, चतुश्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षण का वर्णन हुआ है। ये दूसरे स्कंध 10 अध्यायों से समन्वित है। इसके बाद तीसरे स्कंध में भगवान संधि दूत बनकर हस्तिनापुर आते हैं, कौरवों के द्वारा श्री कृष्ण का अपमान, इसके बहाना विदुर जी का गृह त्याग और तीर्थ यात्रा में विदुर और उद्धव का मिलन, विदुर और उद्धव मिलन में कृष्ण संबंधी चर्चाएं और इसके बाद विदुर मैत्रेय का समागम और विदुर मैत्रेय संवाद 2 स्कंदों में चला, तीसरे और चौथे स्कंद में। लेकिन इसी तीसरे स्कंद में विदुर जी के द्वारा अनेक सृष्टि विषय प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर, प्राकृतिक सृष्टि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विराट पुरुष की स्थिति, स्थूल सूक्ष्म का स्वरूप, लोक पद्म ब्रह्मा की उत्पत्ति, समुद्र प्रलय से पृथ्वी का वराह के रूप में भगवान के द्वारा रक्षा, हिरणाक्ष का वध, देवता पशु पक्षी मनुष्यों की सृष्टि, रुद्रों की उत्पत्ति, स्वयंभू मनु शत्रुपा का जन्म, कर्दम प्रजापति के द्वारा तपस्या, भगवान कर्दम जी के पुत्र के रूप में आए कपिलावतार और अपनी माता देहती को भगवान कपिल उपदेश किए,
इस तरह कपिलोपाख्यान के साथ यह तीसरा स्कंध 33 अध्याय में पूरा होता है। और इसके बाद चौथे स्कंध में मरीचि आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष का जग विध्वंस, शिव और दक्ष का झगड़ा, दक्षिणी सती को जग कुंड में जलना, राजर्षि ध्रुव का चरित्र, पृथु महाराज का चरित्र, प्राचीन बरही और नारद जी का संवाद, पुरंजनोपाख्यान आदि, इस तरह से चौथा स्कंध पूरा होता है। फिर पांचवें स्कंध में मनु महाराज के प्रथम पुत्र प्रियव्रत महाराज की चर्चा और प्रियव्रत महाराज के उपाख्यान में उन्हीं के वंश परंपरा में नाभि, ऋषभ और भरत का चरित्र और भरत जी के तीन जन्मों की कथा, राजर्षि भरत हरिण और जड़ भरत की कथा, राजा रहुगण के साथ जड़ भरत का संवाद आदि। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्मांड का वर्णन किया महाराज परीक्षित के जिज्ञासा पर, उसमें द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र मंडल का विस्तार, पाताल और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हुए 26 अध्याय में पांचवा स्कंध पूरा होता है। इसके बाद छठवें स्कंध में नरक से घबराकर महाराज परीक्षित की जिज्ञासा, नरक से अत्यंतिक क्षेम के लिए उसमें हरिनाम की महिमा, आजामिलोपाख्यान, फिर प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों का संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी का जन्म, इंद्र बृहस्पति का अनबन और उसमें इंद्र के द्वारा विश्व रूप को गुरु बनाना, नारायण कवच, वृत्रासुर के साथ इंद्र का युद्ध और पुंसवन व्रत आदि, ये छठवां स्कंद 19 अध्याय में पूरा होता है। इसके बाद सातवें स्कंद में महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा, शिशुपाल के सदगति को देखकर और उसी क्रम में देवर्षि नारद के द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म की कथा कहते हुए जय विजय के पतन और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म की कथा और तत्क्रम में उसी क्रम में महाराज दैत्य शिरोमणि भक्तराज प्रहलाद महाराज का चरित्र, फिर देवर्षि नारद के द्वारा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और गृहस्थ, स्त्री धर्म का प्रवचन, इस प्रकार 15 अध्यायों में सातवां स्कंद पूरा होता है। फिर आठवें स्कंद में मनवंतरों की कथा, उसी क्रम में गजेंद्र, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि की कथा, उसी में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, बलि महाराज की कथा, मत्सावतार, 24 अध्यायों में आठवां स्कंद पूरा होता है। इसके बाद नवम स्कंद में दो सुप्रसिद्ध वंश का वर्णन, दो सुप्रसिद्ध वंश में सूर्य वंश का वर्णन, इक्ष्वाकु, सुदुम्न, पुरुरवा, ससाद, नृग, सर्याति, खडवांग, मंधाता, सौभरी, सगर, कोशलेंद्र, भगवान श्री राम का निर्मल जस का वर्णन दो अध्याय में हुआ है और निमि महाराज, जनक की उत्पत्ति, इस तरह से सूर्य वंश का वर्णन हुआ। फिर चंद वंश का वर्णन करते हुए भृगुवंशीय परशुराम द्वारा क्षत्रिय का उद्धार और चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, जजाति, नहुष, दुष्यंत, भरत, संतनु, भीष्म और जजाति के पुत्र जदु, इनके वंश में भगवान श्री कृष्ण का संक्षिप्त चरित्र का वर्णन हुआ है। इस तरह 24 अध्यायों में नवम स्कंद पूरा होता है। इसके बाद महाराज परीक्षित की जिज्ञासा दसम स्कंद में, इसमें महाराज परीक्षित के द्वारा भगवान कृष्ण के विषय में विस्तृत जिज्ञासा और उनके उत्तर में 90 अध्याय में भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं, जिसको संक्षेप में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म, रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म, नंद बाबा के यहाँ ब्रज में पालन और वहाँ पर पुतना, सकटासुर, तीर्णावर्त, बक्कासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलम्बासुर, कालिये का दमन, जग पत्नियों पर कृपा, गोवर्धन धारण, महारास, कंस वध, संदीपनी मुनि के यहाँ विद्याध्यन, जादवों के द्वारा जरासंध के सेनाओं का उद्धार, द्वारकापुरी का निर्माण और इसके साथ कृष्ण के विविध विवाह, जिसका बड़ा आनंद से सुने, जिसका वर्णन विस्तार से किया गया। तो भगवान के 16,108 विवाह की चर्चा, इसके साथ शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दंतवक्त्र, संबरासुर, दिविद, मूर
आदि असुरों का वध, सुदामा से मित्रता, कुरुक्षेत्र की यात्रा, भगवान के गृहस्थी का वर्णन। इस प्रकार 90 अध्यायों में दशम स्कंद पूरा हुआ है। अब एकादश स्कंद में यदुवंश का संहार, नव जोगेश्वरों का वर्णन, नव जोगेश्वर और निमि महाराज का प्रवचन, उद्धव और कृष्ण के बीच अद्भुत संवाद, उद्धव गीता का प्रवचन, उद्धव को भगवान उपदेश किए हैं, और श्री कृष्ण का स्वधाम गमन आदि 31 अध्याय में एकादश स्कंद पूरा हुआ। द्वादश स्कंद में युगों के लक्षण, कलयुग में मनुष्यों की गति, लोगों की अवस्था का वर्णन, चार प्रकार का प्रलय, महाराज परीक्षित का दिव्य धाम का गमन, वेदों के शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय मुनि की कथा और भागवत की सारांश, इस रूप में द्वादश स्कंद पूरा किया गया है। तो इस प्रकार कहते हैं सूत गोस्वामी कि यह श्रीमद् भागवतम अनुग्रह करके सुखदेव गोस्वामी सुनाए हैं, कृपा करके महाराज परीक्षित की सभा में सुनाए हैं। अहम च संस्मारित आत्म तत्वम सुतम पुरा में परमर्षि वक्त्रात् प्रायो पवेशे निपते परीक्षित सदस्य ऋषिणा महताम च शीणवताम। जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन व्रत लेकर बैठे हुए थे और सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैं भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व को श्रवण किया हूँ। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, मैं इसके लिए आप लोगों का ऋणी हूँ। कृपा करके आप मुझे अवसर दिए कथा कहने का, इसलिए मैं आप लोगों का ऋणी हूँ। एतद् कथितम् विप्रा कृतनियो रुक्रमण महात्मम वासुदेवस्य सर्वा शुभ विनाशनम। हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैं इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया जो सारे अशुभ को धो कर बहा देने वाली है। आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और उन्हीं की तरह मैं भी आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जो पुरुष द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन इस भागवत को सुनता है और दीर्घायु हो जाता है, जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसका समस्त पूर्व पाप नष्ट हो जाता है, पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है भागवत के पाठ करने से। और जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके पुष्कर में, मथुरा में, द्वारिका में भागवत का पाठ करता है, ब्रज में रहकर, द्वारिका में जाकर, पुष्कर में, वो समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पुराण में प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद में भगवान का वर्णन हुआ है। सुखदेव गोस्वामी कृपा करके इसको सुनाए। फिर अंत में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी अपने आत्मानंद में निमग्न होकर भेद दृष्टि से ऊपर उठकर भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर की मधुर लीलाओं का गान किया है, भगवान की मंगलमयी मनोहारी लीलाओं का गान किया। जगत के प्राणियों पर कृपा करके श्रीमद् भागवतम को प्रकाशित करने वाला इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान सुखदेव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। फिर शुरू में भी नमस्कार किए सुखदेव गोस्वामी को और अंत में भी। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि, अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, जोगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल और तल्लीन मन से जिनका भावमय दर्शन करते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाया, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यस्तु अन्ति दिव्यैश्वस्त्वयि वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदगते नमनसा पश्यन्ति यम जोगिनो जस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रणाम करते हैं कि भगवान जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, कश्यप बने हुए थे और मंदराचल उनके पीठ पर चल रहा था,
उस समय भगवान को मंदराचल के रगड़ से निद्रा आ गई कि खुजली का अनुभव किए सुख पूर्वक सो गए और श्वास की गति बढ़ गई। सो गए भगवान तो सोने में श्वास दीर्घ हो जाता है और उस दीर्घ श्वास से समुद्र आज तक डिस्टर्ब है। जो समुद्र में जो लहर है वो भगवान कमठ के श्वास से लहर आया है, आज तक वो मिटा ही नहीं। उस प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, वही प्रभु हमारी सब तरह से रक्षा करें। तो इस प्रकार भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं और फिर पुराणों की संख्या बताते हैं कि 18 पुराण है, उन पुराणों में कितना श्लोक है। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण में 24,000, श्रीमद् भागवतम में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडे पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक है, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, बराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100 और वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000, ब्राह्मण पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 4,00,000 होती है। तो इनमें श्रीमद् भागवत जैसा कि पहले कहा गया है 18,000 श्लोकों से समन्वित है। यह श्रीमद् भागवतम समस्त वेद पुराणों का सार है, एकदम निचोड़ है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिश्यते, तदर्शा मृत्युप्तस्य नान्यत्र स्याद रति क्वचित। श्रीमद् भागवतम समस्त उपनिषदों का, वेदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है उसको और किसी पुराण शास्त्र में कोई रुचि नहीं होती, कहीं रमता नहीं है। निम्न गानाम जथा गंगा, जैसे पवित्र करने वाली नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है। देवा नाम अच्युतो जथा, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु है। वैष्णवा नाम जथा शंभु, और वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव है। पुराणा नाम मिदम तथा, वैसे ही पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। जोगिंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे, संसार सर्प दंशन यो विष्णु रातम मुमुचत। मैं जोगी राज ब्रह्म स्वरूप सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को सुनाया। विष्णु रात कहते हैं महाराज परीक्षित को, जिनकी रक्षा भगवान किए। तो इस तरह से यह संहिता श्रीमद् भागवतम श्री भगवान के द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त हुई। ब्रह्मा से देवर्षि नारद, देवर्षि नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव और सुखदेव से महाराज परीक्षित और सूत गोस्वामी, और इसके बाद यह शिष्य परंपरा से भागवतम उतरती आई। तो इस तरह यह संहिता देवताओं के, फिर आगे कहते हैं कि देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर भगवान आप ही हमारे एकमात्र स्वामी और सर्वस्व हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करने करते रहने पर भी आपके चरणों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। सूत गोस्वामी एकदम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भवे भवे जथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तम नुजतः प्रभु। और इसके बाद सूत गोस्वामी का अंतिम श्लोक और श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणारसनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। सभी लोग बोलिए एक बार, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणारसनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। सुत गोस्वामी कहते हैं कि जिन भगवान के नाम संकीर्तन से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पाप को नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में समर्पण प्रणाम
सदा सर्वदा के लिए दुखों को समाप्त कर देता है। दो चीज कहते हैं फाइनल, भगवान के विशेषता बताते हैं, जिनके नाम का कीर्तन समस्त पापों को समाप्त कर देता है और जिनके चरणों में प्रणाम समस्त दुख को समाप्त कर देता है, उस हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। किस हरि को? जिनके नाम का कीर्तन पाप समाप्त करता है, जिनके चरणों में प्रणाम दुख समाप्त कर देता है। तो सभी जीव दुखी हैं, दुख मिटाने के लिए भगवान को प्रणाम कीजिए, और कुछ न कुछ अपराध पाप हो ही जाता है, पाप मिटाने के लिए भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पूरा हुआ। हे गोविंद, आपकी वस्तु, आपकी कथा आपके चरणों में समर्पित है। जय हो राधा माधव, आपकी बहुत बहुत कृपा रही जो हम लोगों को इस तरह सुनने कहने का अवसर प्रदान किए। इस प्रकार राधा माधव के चरणों में, पंच तत्व के चरणों में नृसिंह देव और श्रील प्रभुपाद और अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी वैष्णव से आशीर्वाद की कामना के साथ कि इसी प्रकार भागवत कहने सुनने और चिंतन करने का अवसर मिलता रहे, मैं विनम्र भाव से आपके चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।